अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। आज हम बनाने वाले हैं, आज का रेसिपी है गेहूं के आटे से नाश्ता बनाएंगे। हमारे किचन में सब अवेलेबल है, बाहर से हम कुछ भी नहीं लेके आएंगे, सब किचन से ही लेंगे। हमने आटा ले लिए हैं, गेहूं के आटे हैं, और आटा आप अपना क्वांटिटी के हिसाब से ले सकती हैं, ज़्यादा या कम। अब हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, धनिया पत्ते हमने कट करके रखे हुए थे, नमक, और घी डालेंगे। और रिफाइन ऑयल हमने एक चम्मच के करीब डाले हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको खास्ते के जैसा बनाना है, ज़्यादा नहीं। और हमने थोड़ा से गुनगुना पानी लिए हैं, खास्ता बनाने के लिए हमको ज़्यादा ऑयल घी का यूज करना पड़ता है। हमने इसमें थोड़ा सा डाले हुए हैं, एक चम्मच घी, एक चम्मच ऑयल। हमने डो बना लिए हैं, अब इसको हम करीब करीब आधा घंटा के लिए रख दें। कढ़ाई रख दिए हैं, हमारे कढ़ाई गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, हल्का सा ऑयल डालना है, डेढ़ चम्मच के करीब हम ऑयल डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल हमारे गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। इसी के साथ हम एक चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। हरी मिर्च कटे हुए उसको ऐड कर देंगे, हल्का से चला लेंगे। हम इसी में ऑनियन कट करके रखे हुए थे उसको ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम ड्राई मसाला बनाएंगे, इसमें हमको पानी उनी कुछ नहीं देना है। बहुत टेस्ट बनते हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर, हमने इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड किए हैं इसलिए रेड चिल्ली थोड़ा सा डालेंगे। फ्लेम एकदम लो रखेंगे, थोड़ा सा हमने काली मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा सा हमने अमचूर पाउडर लिए हैं। तो इसी तरह ड्राई फ्राई करेंगे, पानी नहीं देना है, एकदम फ्लेम लो कर देंगे, इसमें ढक देंगे। थोड़ा सा हमने नमक ऐड कर रहे हैं इसमें, थोड़ा सा प्याज को हमने सॉफ्ट करने के लिए इसको ढक दे रहे हैं। देखिए हमने 3 से 4 मिनट तक का इसको लो फ्लेम में इसको भून लिए हैं। एकदम प्याज जो है हमारे सॉफ्ट है, कच्चे ही हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे, आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए हमने मसाले वाले सेब लिए हैं, अगर आप चाहें तो कुरकुरे, गाठिया, आपको जो भी पसंद है
आप ले सकते हैं चिप्स, इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने जो मसाला तैयार किए थे इसको भी मिक्स कर देंगे इसके साथ में, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बारिश के मौसम में ऐसा नाश्ता बनाइए और घर में सबको दीजिए, खुद खाइए, बहुत टेस्ट बनते हैं इस तरीके के नाश्ते। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हरी धनिया पत्ते डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आटा एकदम हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए एक गोला का, इस तरीके का हम चपाती पराठा या कुछ भी बनाते हैं उतने ही साइज का हमको लेना है। इसको हाथ से इस तरीके का करके देखिए, अगर आप हाथ से इस तरीके का नहीं कर सकते तो आप बेल भी सकते हैं, थोड़ा से पतला से लेना है हमको। इस तरीके का फिलिंग कर देंगे इसमें मसाला। इसी तरह हम सब बना लेंगे, आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए हमने सारे बना लिए हैं, इसको पूड़ी भी बोल सकते हैं, कचौड़ी भी बोल सकते हैं। सारे नाश्ते बना लिए हैं, अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। इसमें हम ऑयल डालेंगे, कढ़ाई हमारे गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल हमारे गरम हो चुके हैं, अब हम इसमें पूड़ी ऐड कर देंगे। इसको बनाना एकदम सिंपल है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने फूले फूले बने हैं कचौड़ी के जैसा। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स हमारे गेहूं के आटे के टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है पूरा। इसको आप चाहे कचौड़ी कहिए, पूरी कहिए, जो भी बोलिए। देखिए एकदम क्रिस्पी टाइप के हैं। देखिए अंदर के इसका फिलिंग एकदम गर्मा गर्म। इसको आप चाय के साथ खाइए या टमाटर सॉस के साथ खाइए, जो आपको अच्छा लगे आप खाइए, लेकिन बहुत ही टेस्ट बनते हैं। एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।